डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास नाइन्थ में व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर चल रहा था, लगभग समाप्त होने को है। उसमें एक टॉपिक हम आज बता रहे हैं अबाउट द फैट्स ओलिगो रिटेनर्स एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। जो फैट्स ओलिगो विटामिन आप जानते हैं ए डी ई के विटामिन, वाइटल एमिनोस बताया था हमने, और दो टाइप की होती हैं। वाटर सॉल्युबल में पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंक्लूडिंग विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए डी ई के विच आर फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से सबसे पहले अगर बात करें हम इसी करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर कोई भी पर्सन उसके फूड में, डाइट में अगर विटामिन ए की कमी है तो इट मे बी सफर फ्रॉम जीरोप्थाल्मिया, एक आंखों की बीमारी। ऑप्थाल्मिया कहीं भी है तो इट मस्ट बी रिलेटेड विद आईज। सो जीरोप्थाल्मिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात जब शाम होने को होती है तो शाम के जो हल्की सी डिम लाइट होती है, डिम लाइट में उनके आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा चला जाता है। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। साथ ही साथ किरेटो मलेशिया एक बीमारी होती है विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाई विटामिन ए। विटामिन ए के बाद बात करेंगे अबाउट द विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इस विटामिन को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। क्यों सनशाइन विटामिन कहेंगे? इसको कहीं लिख लो, अपलोड कर लो कि कौन सी विटामिन है। दिस इज द सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जब वो हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन जो होती है वो विटामिन डी का सिंथेसिस करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह की जो सन की पहली जो रेज होगी उनको जरूर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे पर्सन जो सुबह घूमते हैं, टहलने जाते हैं, तो उनको विटामिन डी की जनरली कमी नहीं होती। अगर हम कमी की बात करें तो कमी से रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स किसमें होगी? चिल्ड्रंस में होगी। और बड़े लोगों में अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो एक डिसीज होती है। दिस डिसीज इज नॉन एज ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से दो डिसीज बताएं इन बच्चों में, चिल्ड्रंस में क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगी, जिसे हिंदी में सूखा रोग कहते हैं, और बड़ों में होती है एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और ब्यूटी विटामिन के अलावा इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्यों कहेंगे? एक्चुअली ये जो ब्यूटी है, ब्यूटी के लिए भी, कॉम्प्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? विटामिन ई। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं जो फेयरनेस के लिए स्पेशली होती हैं, सनशाइन के लिए होती हैं, या एंटी एजिंग जो क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, उन सभी में कौन सी विटामिन होती है? ये सभी एनरिच्ड होती हैं बाय विटामिन ई। और रही बात स्टेरिलिटी की, तो स्टेरिलिटी इस विटामिन की कमी से नहीं हो पाती है। इस या स्टेरिलिटी में इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक करने में, तो इसीलिए विटामिन ई को क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी हो जाती है। जो रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती है ड्यू टू विटामिन ई, हो सकती है। ठीक है, अगर हम विटामिन के की बात करें तो के जो है वो रेस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए। और जब क्लॉटिंग नहीं होगी, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा किसी के छोटी सी भी अगर स्क्रैच हुआ तो ब्लड आ जाएगा, ब्लड विद इन 5 मिनट तक होगा।
होगा वो क्या हो जाएगा, बंद अपने आप हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसे पर्सन जिनके किसी कमी हो, विटामिन के की कमी, के की कमी हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके जो ब्लड का जो क्लॉट होगा वो काफ़ी देर में जमता है। और इसीलिए ऐसे पर्सन जिनको ब्लीडिंग डिजीज है उनको विटामिन के की टैबलेट्स या इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई कौन कौन सी विटामिन की, जो कि सभी के सभी कैसे थे, फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब कुछ जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे दो डिजीज की, एक तो कॉसर कोर और मैरास्मस में डिफरेंसेस की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, यहां हम भी दे रहे हैं डिफरेंसेस लिखवा रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कोर सियोर कोर एंड मैलसस, इन दोनों डिजीज में हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे। सबसे पहले कॉसर कोर में समझो होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। अगर डेफिशिएंसी है किसकी, प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो ये बीमारी हो जाएगी। अगर डाइट मिले, अगर ये प्रोटीन ना मिले तो ये हो जाती है। जबकि ये मैरास्मस का कारण क्या है, मैरास्मस का सीधा सीधा कारण है, अगर डेफिशिएंसी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये सब की अगर डाइट में अगर कमी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, मैरास्मस। तो डेफिशिएंसी किसकी होगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइनली क्या होगा, एंड फैट। इनकी अगर डेफिशिएंसी है इसमें डाइट में तो कौन सी बीमारी होगी, मैरास्मस हो जाएगी। दूसरा डिफरेंस देखो, कॉसर कोर में जो चाइल्ड होगा वो उसमें इडीमा सो होगा। इडीमा देखो क्या होता है, इडीमा, इडीमा का मतलब है स्वेलिंग से, इडीमा जस्ट लाइक स्वेलिंग। तो अगर किसी को कॉसर कोर है तो कॉसर कोर से प्रभावित बच्चे की जो लोअर लेग्स होंगे, लोअर लेग्स और लोअर आर्म्स होंगे, और उसका जो यूजुअली फेस होगा उसमें क्या होगी, इडीमा यानी कि सूजन आ जाएगी। जबकि अगर देखें हम मैरास्मस में देयर इज नो स्वेलिंग, इसमें स्वेलिंग नहीं होती है। अगर एपीटाइट की बात करें तो जो क्वासर कोर जो है डिसीज, उसमें एपीटाइट मींस भूख जो होती है वो बहुत कम लगती है, साथ ही साथ स्किन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी ओर अगर हम मैरास्मस की बात करें तो मैरास्मस में भूख तो प्रॉपर लगती है, एपीटाइट इज यूजुअली गुड, बट स्किन इज फ्लैकी। स्किन कैसी होगी, फ्लैकी हो जाएगी विद डिफ्यूज पिगमेंटेशन, और इसमें जो पिगमेंटेशन होगा वो डिफ्यूज टाइप का हो जाएगा। इसके अलावा अगर लास्ट अंतर देखें तो कॉसर कोर अकर्स इन चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। जब बच्चा 1 से लेकर 5 साल तक की उम्र का होता है तो डिसीज कौन सी होती है, कॉसर कोर हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें मैरास्मस की तो इट अकर्स इन इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज। ये इन्फेंट्स में होती है, मीन्स 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे की उम्र के में ये बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम कहते हैं मैरास्मस। तो मैरास्मस के बारे में आपको हमने यहाँ बता दिया। तो आज हमने आपको कौन कौन सी चीज़ें बता दी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ बता दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स के नाम A, B, E, K और उनसे होने वाले डिसीज के नाम, जैसे कि विटामिन ए से हमने बता दिया जीरोफ्थाल्मिया, डाइब्लाइंडनेस, कीटो केराटोमेलेसिया हो जाएगा। विटामिन डी से हमने बताया रिकेट्स हो जाएगा चिल्ड्रन में, और अगर एडल्ट्स हैं तो एस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। विटामिन ई से स्टेरिलिटी हो जाएगी, विटामिन के से ब्लीडिंग डिजीज हो जाएगी। तो ये तो हो गए अबाउट द विटामिन्स के द्वारा होने वाले, विटामिन्स के थ्रू होने वाले डिसीज के नाम बता दिए आपको। साथ ही साथ हमने आपको बता दिया डिफरेंसेस दो डिसीज
डिफरेंस बताया, एक तो हमने बता दिया किसमें, क्वासल को एंड मैरास्मस, इन दोनों डिसीज में आपको हमने डिफरेंसेस बता दिए। तो ये तो बात हो गई अबाउट द देयर डिफरेंसेस। इसके अलावा एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आप जानते हैं कि एक्यूट डिजीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं जबकि क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें एक्यूट के तो इन्फ्लुएंजा या फीवर, जबकि अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो कैंसर के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा, लेप्रोसी, ये कैसी हैं, क्रॉनिक हैं। लॉस ऑफ वेट हो जाता है क्रॉनिक में जबकि पेट पे कोई ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है किसमें, एक्यूट में। ऐसी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंसेस आप जानते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो माइक्रोब्स जो कि पैथोजन बोले जाते हैं उनके द्वारा होती है, जबकि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा से हो सकती है। तो एग्जांपल अगर देखें इन्फेक्शियस डिजीज के या कम्युनिकेबल डिजीज के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा यही है, स्वाइन फ्लू है, लेप्रोसी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल की के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन जिसे हाई बीपी कहते हैं एटसेट्रा हो सकती है। तो आज ठीक है, ये आपको टॉपिक्स करवा दिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।